A very good morning, dear friends. Today my topic is IUPAC nomenclature of organic compounds. IUPAC पद्धति द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सन 1858 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC I for International Union of Pure and Applied Chemistry ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सर्वमान्य पद्धति प्रस्तुत की। नामकरण के प्रमुख नियम निम्न प्रकार हैं। नंबर वन, यानी किसी भी नामकरण, किसी तत्व का नामकरण हम किस तरह से करेंगे, तो उसमें यह बताया गया है। नंबर वन, सबसे पहले सर्वप्रथम यौगिक में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। जो श्रृंखला सबसे लंबी होगी उसका चयन करेंगे। यदि कोई आवश्यक नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि श्रृंखला सीधी हो। मुख्य प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की भी चयनित श्रृंखला में को भी चयनित श्रृंखला में शामिल करते हैं। चयनित श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को मूल शब्द रूट वर्ड द्वारा प्रकट करते हैं। मूल शब्द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन इन चेन ऑन रूट वर्ड, यानी कि अगर कार्बन नंबर वन होगा तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, मिथ। अगर कार्बन टू होगा तो कहलाएगा एथ, और कार्बन थ्री होगा तो कहलाएगा प्रो, कार्बन फोर होगा तो कहलाएगा ब्यूट, एंड कार्बन फाइव होगा तो कहलाएगा पेंट, और सिक्स होगा तो कहलाएगा हेक्सा, और सेवन कहलाएगा ऑप्टा, और एट कहलाएगा यानी कि हेप्टा, जो है सेवन जो है वो हेप्टा, ये हेप्टा, और एट कहलाएगा ऑक्टा, और कार्बन नाइन नोना, एंड कार्बन टेन डेका। तो ये रूट वर्ड कराते हैं। जिस तरह कार्बन बढ़ते जाएंगे तो रूट वर्ड उसका मेथ एथ प्रोप ब्यूट होता चला जाएगा। अब नंबर टू देखते हैं, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन किस तरह से करते हैं। नंबर वन, चयनित कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रतिस्थापक निकटतम हो। जो ये निकटतम होगा वहां पर हम उसे वहां से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अंकन हेतु निम्न वरीयता का पालन किया जाता है। इस तरह से क्रियात्मक समूह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रतिस्थापक, तो इसमें वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, निम्न क्रियात्मक समूह के कार्बन को अंक एक दिया जाता है, जैसे
सी डबल एच कार्बोजिलिक ये समूह क्रियात्मक समूह सी ओ एल सी ओ आर एस्टर एमाइड और एल्डिहाइड और सी एन ये सब जो है क्रियात्मक समूह है। इनको अगर ये दिए होंगे श्रेणी में तो उसमें इनका एक नंबर इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तथा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बंद के अनुपस्थित रहने पर अगर सीरीज में ये सेकेंड बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं है तो क्या करेंगे प्रतिस्थापक की वो न्यूनतम अंक दिया जाएगा। जैसे CH3 CH CH3 CH2 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 CH3। तो क्योंकि यहाँ पर जो है सीट डबल सीट नहीं है इसलिए इसको यहाँ से शुरू करेंगे इस साइड से इसमें ये चेन यहाँ से स्टार्ट है तो सी इसको वन नाम दिया जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2-methyl heptane हेप्टेन हेप्टा मैंने बताया 7 जो है वो हेप्टा कहलाता है तो 2 ये 2-methyl heptane को हिंदी में लिखा हुआ है 2-methyl heptane एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि दो समान प्रतिस्थापक दोनों सिरों से समान दूरी पर हैं तो अधिक प्रतिस्थापक वाले सिरे से अंकन नंबरिंग हम प्रारंभ करेंगे। उदाहरण के लिए CH3 CH CH2 CH2 CH CH CH3 तो इसमें कहां स्टार्ट करेंगे अगर दोनों सिरों के समान दूरी पर हैं, यदि दो समान प्रतिस्थापक दोनों सिरों के समान दूरी पर हैं, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 6 पे मिथाइल जो है तो कार्बन एक है इसलिए 6-methyl और इधर से 2 3 यानी कि यहां पर CH लगा हुआ है CH3 CH3 और ये CH3 यानी कि 6 2 3 2 3 6 मिथाइल ट्राई मिथाइल हेप्टेन यहां पे ये CH3 लगा हुआ है CH3 CH3 2 3 6 मिथाइल हेप्टेन ट्राई मिथाइल हो जाए 3-methyl है इधर ट्राई मिथाइल कराएगा। और फोर्थ पॉइंट है यदि दो भिन्न एल्किल समूह दोनों सिरों से समान दूरी पर हो तो अल्फाबेट के क्रम का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए CH3 CH2 CH और ये CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 तो यहां पर हम देखेंगे अल्फाबेट यानी कि एथाइल ये कहलाएगा एथाइल ये कहलाएगा CH3-methyl तो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 पहले हो जाएगा 3-3-ethyl और 6-methyl ये 6-methyl ऑक्टेन ऑक्टेन क्यों क्या आ गया क्योंकि 8 कार्बन 8 है इसलिए उसे ऑक्टेन आ गया तो इसका नाम हुआ 3-methyl 6-methyl octane 3-ethyl 6-methyl octane। नेक्स्ट का आता है सफिक्स यानी कि अनुलग्न हम क्या लगाएंगे अनुलग्न करते हैं दो तरह के होते हैं सफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में एन इन आई ये अगर हम सिंगल बॉन्ड है तो मेथ यानी मेथेन डबल बॉन्ड है तो मेथीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो मिथाइन इस तरह से सेकेंडरी जो सफिक्स होते हैं वो ग्रुप कौन सा है अल्कोहल है तो ऑल एल्डिहाइड है तो अल इस तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक और एस्टर है तो
ओएच, और अगर कीटोन है तो ओन, ये कहलाते हैं सेकेंडरी सफिक्स कहलाते हैं, इनका भी हम यूज करेंगे। और प्रीफिक्स जो है पूर्व लग्न क्या है, अगर अगर बीआर लगा हुआ है तो हम ब्रोमो लिख देंगे, सीएल लगा हुआ है तो क्लोरो लिख देंगे, और एफ लगा हुआ है तो फ्लोरो। तो किसी का नाम अगर देना है तो क्लोरो ब्रोमो और फ्लोरो करके उसका हम नाम आईयूपीएसी नाम देंगे। थैंक यू।